हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पूजा में उपयोग में आने वाला चना जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है इसे आप जन्माष्टमी पर भी कान्हा भोग में बना सकते हैं इसके लिए इस्तेमाल में होने वाली सामग्री में हम लेंगे आधी कटोरी कच्चा दूध ये आधी कटोरी कच्चा दूध है इसके साथ ही हमने लिया है ये चार चम्मच दही एक चम्मच चीनी एक चम्मच गंगा जल और एक चम्मच शहद और ये थोड़े से तुलसी के पत्ते अब हम सबसे पहले एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें हमें पंचामृत बनाना है उसमें हम दूध को डाल देते हैं ये देखिए मैंने ये पूजा में यूज़ में होने वाली लुटिया ली है अब हम दूध के साथ साथ हम इसमें दही भी ऐड कर देते हैं दही ऐड करने के बाद हम इसमें चीनी मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें गंगा जल ऐड करेंगे गंगा जल के बाद हम इसमें शहद मिला देंगे ये देखिए हमने पांच चीज़ मिला दी हैं इसलिए इसको पंचामृत कहा जाता है अब हम इसको धीरे धीरे करके चीनी को मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स इसकी जो कंसस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी क्रडल में रहती है क्योंकि दही की वजह से हमें इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है ये देखिए इस तरीके की कंसस्टेंसी होती है बस चीनी मिक्स हो जानी चाहिए देखिए दही के जो लम्स आ रहे हैं वो होने चाहिए इसमें ये हमारा पंचामृत बनकर तैयार हो गया है अब हम इसमें तुलसी के पत्ते ये मैंने तोड़कर धो लिए थे और उसके बाद हम तुलसी के पत्ते ऐड कर देते हैं देखिए इस तरीके से और ये हमारा काना भोग के लिए पंचामृत बनकर तैयार हो गया है इसे आप पूजा में कभी भी बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान है बनाना बस आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी पूजा की कोई वस्तु बनाएं या पूजा में खाने के लिए कोई भी सामान बनाएं तो उसे सफाई व शुद्धता के साथ बनाया जाना जरूरी है तो हमारा पंचामृत बनकर तैयार है इस तरह आप भी बनाइए और जन्माष्टमी पर कान्हा जी को भोग लगाइए यह देखिए मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है यह अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फिर से मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ